आज मैं आप सबको लेकर चलती हूँ लखनऊ चिड़ियाघर में, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अथवा लखनऊ चिड़ियाघर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रदेश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। यह लखनऊ के हजरतगंज में सिविल हॉस्पिटल के पास स्थित है। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। पार्किंग का समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक है। फोर व्हीलर के लिए पार्किंग का टिकट 50 रुपये तथा टू व्हीलर के लिए 20 रुपये का है। चिड़ियाघर में एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। इसका टिकट काउंटर राइट साइड है, जहां पर 12 साल से ऊपर की उम्र वालों का टिकट प्राइस 80 रुपये तथा 5 से 12 साल के बच्चों का टिकट 40 रुपये का है। 5 साल से कम आयु के बच्चों की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। चिड़ियाघर के फ्रंट को काफ़ी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों के स्टैचू मिल जाएंगे, जिनके साथ आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं। लखनऊ के इस चिड़ियाघर में ट्रेन भी चलती है, जो कि चंद्रपुरी स्टेशन से चलती है और चिड़ियाघर में हर जगह घूमती है, जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों घूम सकते हैं। यह एक टॉय ट्रेन है, जिसका आनंद कोई भी ले सकता है। इस ट्रेन में एक इंजन और दो कोच हैं, जो कि इस चिड़ियाघर के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से एक उपहार के रूप में दी गई थी। इस ट्रेन का ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है। इस ट्रेन से घूमने के लिए आपको इसका टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का किराया 12 साल से ऊपर की आयु वालों के लिए 25 रुपये तथा 12 साल से कम आयु के लिए 15 रुपये है। इस चिड़ियाघर में आप टाइगर, शेर, भेड़िया, हिमालय काला भालू, गैंडा, काला हिरन, जेब्रा, जिराफ, विशाल गिलहरी तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी देख सकते हैं। इस चिड़ियाघर में आपको बटरफ्लाई गार्डन, सांप घर तथा मछली घर भी देखने को मिलता है। अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में 29 नवंबर सन 1921 को प्रिंस वॉल्स के आगमन के स्वागत में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने इसकी स्थापना की थी। यह 3 किलोमीटर की परिधि में लगभग 5,000 पेड़ों के बीच स्थित है। इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसे पहले बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था। शहर के बाहर बनारस से आए आम के पेड़ों की वजह से इसका नाम बनारसी बाग पड़ गया। 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बाग के रूप में न केवल इसकी स्थापना की, बल्कि बारादरी का निर्माण कर नवाबी कला के रंग को इसके परिसर में समाहित कर दिया। फिरंगियों की सैरगाह के रूप में यह चिड़ियाघर प्रचलित हो गया और इसका नाम भी बनारसी बाग से बदलकर प्रिंस वॉल्स जूलॉजिकल गार्डन हो गया। सन 2001 में जूलॉजिकल पार्क और फिर लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। यह राज्य का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। इसे देखने वाले दर्शकों के टिकट और समाज सेवियों के वन्य जीवों को गोद लेने की दिलचस्पी के चलते यह चिड़ियाघर लगातार बढ़ रहा है। सन 1925 में इसके अंदर राजा बलरामपुर ने बब्बर शेर के बाड़े का निर्माण कराया था। सन 1935 में रानी राम कुमार भार्गव ने तोता लेन का निर्माण कराया और फिर भालू टाइगर बाड़ों के साथ अब इसके अंदर 100 से भी अधिक बाड़े हैं, जहां 1,000 से अधिक वन्य जीव अपनी जिंदगी जीने के साथ आने वाले दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। सन 2000 से 8 के बीच में हाथी सुमित और जयमाला के जंगल जाने का दुख और दर्शकों के प्रिय हक्कू बंदर के जाने का गम आज भी ये चिड़ियाघर भूल नहीं पा रहा है।
इस चिड़ियाघर में न केवल अलग अलग वन्य जीव हैं बल्कि मिस्र की एक ममी भी है। चिड़ियाघर में बने राज संग्रहालय में इसे रखा गया है। यह ममी 13 वर्ष की एक लड़की की है। इसे यहाँ संग्रहित किया गया है। इसकी आयु करीब 3000 वर्ष अनुमानित है। यह ममी एक लड़की के ताबूत स्फेफोज में सुरक्षित है। इस ताबूत पर चित्रलिपि में कुछ जानकारी भी अंकित है, साथ ही लड़की का चित्र भी बड़े आकर्षक रूप से बना हुआ है। इसके अलावा राज्य संग्रहालय लखनऊ में मिश्र सभ्यता से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी संरक्षित रखी गई हैं। यहाँ पर आपको अंदर कुछ फास्ट फूड आइटम्स के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। इन सब का आनंद लेते हुए आप अपने चिड़ियाघर के सफ़र को और भी सुहावना बना सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उनके खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ है। यहाँ कई झूले हैं जहाँ बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर एग्ज़िट के पास एक शॉप है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपने चिड़ियाघर के सफ़र को यादगार बना सकते हैं।